Hello students, so just now we have seen the classification of the kingdom Plantae. According to that we are going to see the division of that cryptogram. हम लोग सबसे पहले क्या ले रहे हैं? Cryptogram ले रहे हैं, ठीक है? In that cryptogram what we have seen the division, that is thylophyta, right? The division one is what? Thylophyta. First of all you should know what is the meaning of the thylophyta. ये होता क्या है वो हम लोग देख लेते हैं. See, इसको हम लोग क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं, ठीक है? ये थाइलो को हम लोग ने ब्रेक कर दिया, ठीक है? फाइटा को अलग कर दिया, थाइलो को अलग कर दिया. थाइलो मीन्स व्हाट? प्लांट बॉडी विदाउट रूट स्टेम एंड लीव्स. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थाइलो बोलते हैं, ठीक है? अ प्लांट बॉडी विदाउट रूट स्टेम एंड लीव, जिसके पास ये नहीं होगा, जो एक प्लांट है जिसके पास रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीव नहीं है, ठीक है? स्टेम नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थाइलो बोलेंगे, ठीक है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइटा? फाइटा इज नथिंग बट अ व्हाट? प्लांट. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइटा को प्लांट बोलते हैं, थाइलो फाइटा. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड द नेम. थाइलोफाइटा मतलब होता क्या, ये समझ में आ गया, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू सी, थोड़ा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्या होता है, क्या क्या हो रहा है उसके अंदर, ठीक है? सी, थाइलोफाइटा विच इज ग्रो इन अ वॉटर, ठीक है? कौन से वॉटर में प्रेजेंट हो सकता है? फ्रेश वॉटर में भी, या तो फिर सलाइन वॉटर में भी वो आपको क्या मिल सकता है, ठीक है? थाइलोफाइटा. ओके, नेक्स्ट इज वॉट? Two subdivision. It has been, again it has been divided into two. First is what? Algae. Next is what? Fungi. Okay? ये दो part में वो क्या हो गया? Divide हो गया. अभी ये algae का characteristics देख लेते हैं, fungi का characteristics देख लेते हैं, ठीक है? So हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा? Division one, that is nothing but thylophyta. Thylo means क्या? Plant, जो उसके अंदर क्या नहीं है, ना root है, ना stem है, ना leaves है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थाइलो बोलते हैं. फाइटा मीन्स क्या? प्लांट है, ठीक है? वो कहाँ पे पाया जाता है? इट्स ग्रो इन वॉटर. इट इज ओनली ग्रो इन वॉटर, बट वो वॉटर कैसा होना चाहिए? आइदर फ्रेश वॉटर और एज वेल एज सलाइन वॉटर में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? इट इज सब डिविजन. इट इज डिवाइडेड इन टू द सब डिविजन. उसका क्या है? एक एल्गे है, नेक्स्ट इज फंजाई. अब इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं. So now we are going to see the characteristics of algae and fungi का हम लोग क्या देख लेते हैं? Characteristics देख लेते हैं कि क्या क्या है उसमें. See, first of all, algae is what? It is an autotrophic है, ठीक है? Next is what? It is unicellular as well as multicellular. Algae is autotrophic है. Next is what? It is unicellular as well as multicellular भी हो सकता है, ठीक है? Next is it is in microscopic or a macroscopic. Microscopic means क्या? छोटा भी हो सकता है, otherwise it is a big भी हो सकता है, large भी हो सकता है. So it is visible to our eyes also. Naked eye से भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? Next is what? उसका जो body है, body कैसा है? Soft and fiber जैसा है, ठीक है? Like a body, soft and fiber जैसा उसका body है. Example is what? Spirogyra और alva. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फंजाई का क्या है. इट डज नॉट हैव अ क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल, उसके अंदर क्लोरोफिल है ही नहीं. एग्जाम्पल इज ईस्ट एंड मोल्ड. यू हैव जनरली सीन ऑन द ब्रेड के ऊपर हम लोग ने देखा है, ठीक है? दैट विल हैविंग द फंजाई. ओके, नेक्स्ट अभी तुम लोग को यहाँ पे स्पायरोगायरा किस तरह से आप लोग को पता चल सकता है? अगर आप लोग ऐसे ही कोई पॉन्ड में या फिर लेक में चले गए, राइट? सो व्हाट यू हैव सीन ओवर देयर, वहां पे अगर ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ मिलता है, ग्रीन जनरली जो ग्रीन लेक रहती है उसमें से हम लोग ने थोड़ा सा पानी लेके आए, ठीक है? पानी के अंदर जो ग्रीन ग्रीन रहते हैं ना, वो हम लोग ने लेके आए. फिर उसको क्या करना है? पेट्री डिश में रखना है. पेट्री डिश लेके उसको है ना अच्छे से उसको वॉश करना है, ठीक है? वॉश करने के बाद में तुम लोग को क्या करना है? क्लीन वाटर से वॉश किया हम लोग ने, वो छोटा सा ऐसा फाइबर जैसा होगा, ठीक है? और ऐसे छोटे छोटे जार जैसे होंगे आपके पास, आपके उसके अंदर छोटे छोटे ऐसा पेट्री डिश में ऐसा जार जैसा होगा ना, उसको अच्छे से वॉश करना है. वॉश करने के बाद में उसको हम लोग क्या करेंगे? I have with me, this is known as glass slide बोलते हैं इसको, ठीक है? ये मेरा एक स्लाइड है ग्लास का, इसको बोलते हैं ग्लास स्लाइड, ठीक है?
अब मैं क्या करूंगी, वो मेरा जो ग्रीन कलर का एकदम थ्रेड जैसा रहेगा, ठीक है, धागा कैसा रहता है ना वैसा वाला रहेगा, वैसा वाला हमें लेके आना है, ठीक है, वो लेक के अंदर से या तो फिर कोई भी पॉन्ड के अंदर से, जैसे ग्रीन ग्रीन जैसा रहता है ना उसके अंदर, वहां से हम लोग को लेके आना है, ठीक है। पहले अच्छे से ग्रीन वाटर से उसको क्या करना है, पैट्री डिश में लेना है, मतलब कि जैसे कि आपके भाषा में बोल देती हूँ कटोरी जैसा रहता है ना, बट वैसे ही केमिस्ट्री में अपैरेटस होता है, तो वो कैसा रहता है ना, ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसे रहते हैं, ठीक है, ग्लास का रहता है वो, उसके अंदर डाल दिया, उसको अच्छे से क्लीन वगैरह कर दिया। क्लीन करने के बाद में उसमें से एक उठाना है और ये जो ग्लास स्लाइड है उसके अंदर रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है, रखने के बाद में 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर रहेगा या तो फिर जो भी स्टेन बोला होगा, तो स्टेन रखने का, ठीक है, सो दैट इट इज विजिबल। स्टेन क्यों रखते हैं, तो जो कलरलेस होगा तो हमें विजिबल हो सके, उसके अंदर कलर दिख सके, ठीक है, इसीलिए हम लोग स्टेन डालते हैं, तो जनरली इस पे वाटर ही डालते हैं। वाटर डालने के बाद में ना ये सब ग्लास का है ना स्लाइड रहता है, कवर स्लिप बोलते हैं उसको, ठीक है, इतना छोटा सा ऐसा रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कवर स्लिप बोलते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको डाला, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे और मेरा जो थोड़ा सा थ्रेड जैसा था ना उसको क्लीन किया, इसमें डाला, और फिर मैं क्या करूंगी, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर डालूंगी ड्रॉपर से, और उसको मैं कवर स्लिप को इस तरह से अच्छे से रखूंगी ना कि उसके आजू बाजू में ना, यहाँ पे सपोज ये मेरा डिश है, ठीक है, स्लाइड है, और फिर मैंने यहाँ पे मैंने उसको रख दिया जो मेरा ग्रीन कलर का था, उसके ऊपर मैंने 1 ड्रॉप वाटर डाल दिया और मैंने यहाँ पे कवर स्लिप रख दिया, ठीक है। तो ये जो कवर स्लिप रहेगा ना, यहाँ पे ना थोड़ा सा भी वाटर एयर बबल्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका अच्छे से रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, अंडर द माइक्रोस्कोप, इफ यू आर गोइंग टू सी, अगर हम लोग अच्छे से उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ हमें इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है, इस तरह से हमें स्पायरोगायरा का इमेज मिलेगा, कहा मतलब कि रिजल्ट मिलेगा, वो जो थ्रेड वाला जो हम लोग ने निकाला था कहाँ से, पॉन्ड या फिर कोई भी लेक में से, आप लोग लेक में से आप लोग लेके आओगे, यू कैन सी दिस अंडर द माइक्रोस्कोप, दिस इज नथिंग बट योर सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, छोटे छोटे वो क्या है स्पायरो, ऐसा कुछ इमेज मिलेगा, दिस इज नॉट नथिंग बट योर व्हाट, स्पायरोगायरा, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट डिविजन, दैट इज नथिंग बट योर थैलोफाइटा, ठीक है। उसमें हम लोग ने क्या देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैलोफाइटा क्या होता है, उसका नेम पता होना चाहिए हम लोग को, हेलो मीन्स वॉट, फाइटा मीन्स वॉट, ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है वो, ग्रीन लाइक फ्रेश वाटर में एज वेल एज सलाइन वाटर में भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सीन इट इज अ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू, फर्स्ट इज वॉट, एल्गे, एंड नेक्स्ट इज फंजाई। वी हैव सीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फंजाई ऑल्सो एंड द एल्गे ऑल्सो, एंड वी हैव सीन द स्लाइड भी कैसे बनता है, किस तरह से, हाउ कैन वी सी द अंडर द माइक्रोस्कोप यूजिंग दिस स्लाइड एंड वॉट एवर द इमेज यू आर गेटिंग ओवर देयर, रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, अच्छे से आप लोग अगर एडजस्ट करना आएगा तो यू आर गेटिंग अ गुड रिजल्ट ऑफ दिस। सो दिस इज फर्स्ट डिविजन ऑफ प्लांटे, किंगडम प्लांटे का, हम लोग क्रिप्टोग्राम के अंदर फर्स्ट हम लोग ने कंप्लीट किया थाइलोफाइटा। थैंक यू।